will teach you chapter number 4 Prahelika. Prahelika means riddle या puzzles. इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं और ये मनोरंजन का साधन भी होता है. यानी हम इससे जो है क्वेश्चनिंग करें या बच्चों के साथ जो है क्वेश्चनिंग करेंगे तो हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे. ये एक तरह से फन का माध्यम है. तो बच्चों पहला रीडर सुनेंगे, पहली रहेली का. मम कंठ नीला वर्षा काले अहम नृत्यामी मम पुच्छम अतीव सुंदरम अहम का. आपको पिक्चर दिया हुआ है यहाँ जो है इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको इसका पहले अर्थ समझना होगा, मीनिंग समझना होगा. मम मम यानी मेरा, कंठ यानी गला ने, और नीला मतलब नीले रंग का. तो बोर्ड पर देखते हैं, मम कंठ नीला माय नेम इज ब्लू. तो मेरा कंठ नीला है और वर्षा काले अहम नृत्यम. वर्षा काले मतलब इसमें जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन. सप्तमी विभक्ति में क्या होता है, पर्सन क्या होता है, मे पद. तो वर्षा काले मतलब वर्षा काल में अहम नृत्यम, नृत्यामी मतलब नृत्य धातु जो है और प्रथम पुरुष नहीं उत्तम पुरुष एक वचन. यानी उत्तम पुरुष किसके लिए होता है, आई वी के लिए. यानी जैसे मैं संबोधित कर रही हूँ तो कर्ता के लिए होता है फर्स्ट उसके लिए. फिर तो इसमें मीनिंग है इसका वर्षा काले अहम नृत्यम, यानी वर्षा काल में मैं नृत्य करता हूँ. आई डांस ड्यूरिंग द रेनी सीजन. मम पुच्छम अतीव सुंदरम, पुच्छम यानी टेल या फिगर्स कह सकते हैं. मोर के क्या होते हैं, फिगर्स होते हैं, पंख होते हैं. तो इसकी पूंछ वही होती है, पूंछ भी वही होती है, फिगर्स भी वही होती है. तो यहाँ पे हम टेल कह सकते हैं और फिगर्स भी कह सकते हैं. तो माई फिंगर्स आर वेरी ब्यूटीफुल. अतीव मतलब वेरी सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल. अहम का फिर क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं कौन हूँ, हु एम आई. यानी इसका आंसर क्या होगा, मयूर. क्यों, मयूर के ही मतलब है गले के कलर का नीला होता है और उसके पंख बड़े बड़े और सुंदर होते हैं और वो बारिश में नाचता है. जब रेनी सीजन होता है तब वो नाचता है. मम कंठ नीला वर्षा काले अहम नृत्यामी मम पुच्छम अतीव सुंदरम अहम का. इसका ट्रांसलेशन है, माय नेम इज ब्लू, आई डांस ड्यूरिंग द रेनी सीजन, माय टेल फिगर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, हु एम आई, पीकू. तो ये फर्स्ट का रीजन, इसका जो है ट्रांसलेशन और उसका मीनिंग, उसका आंसर भी. उसका आंसर क्या है, पीकॉक.
शिवा, लॉर्ड शिवा, अहं हिमालय वसामि, मैं हिमालय में बसता हूँ। इस साइड में हो सकते हैं कि आई लिव ऑन द हिमालय, आई लिव ऑन द हिमालय, लेव की जगह पे रिसाइड में हो सकते हैं। तो अहं गंगा धारा, यानी मैं गंगा, मैं गंगा को धारण करता हूँ। यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है कर्ण को, यानी पर्सन किसका को है। तो अहं गंगा धारा, गंगा को धारण करता हूँ, गंगा रिवर, आई होल्ड द गंगा रिवर। मम नेत्र त्रयम् अस्ति, मेरे तीन नेत्र हैं, यानी आई हैव थ्री आईज। अहं कब, हु एम आई, यानी मैं कौन हूँ। इसका आंसर है महादेव शंकर या लॉर्ड शिवा, शिवा या शिव शंकर। तो इस प्रकार का ये है, एक बार फिर से इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। वेट, अहम हिमालय वसामि, अहम गंगा धारयामि, मम नेत्र त्रयम् अस्ति, अहम कौ, आई लिव ऑन द हिमालय, आई होल्ड द गंगा रिवर, आई हैव थ्री आईज, हु एम आई। सांसद शंकर। फिर फोर्थ है मम उत्तरे, भारत माता, यानी चित्र किसका दिया है, भारत माता। इसका रिवर है मम उत्तरे हिमालय, मेरे उत्तर में क्या है, हिमालय। तो द हिमालय इज टू माय नॉर्थ, उत्तर मतलब नॉर्थ, मम दक्षिण में सागर, सागर मेरे दक्षिण में सागर है। टू माय साउथ इज द ओशन, मेरे साउथ में ओशन है। मम ध्वज त्रिवर्ण, मेरा जो ध्वज है वो कितने रंग का है, तीन वर्ण का है, तीन रंग का है। तो माय फ्लैग इज द ट्राइकलर या त्रिकलर। तो उसमें आएगा अहं का। अब यहाँ पे का शब्द जो है वो क्या है, तीन तरह से जो है कोष्ठी होती है, एक पुलिंग के लिए, एक स्त्रीलिंग के लिए और ये नपुंसक के लिए। तो हमने अभी पुलिंग के लिए पढ़ा, फिर अभी स्त्रीलिंग के लिए देख रहे हैं कि कोष्ठी में क का क निकम सभी होनी, तीनों होनी है। एक ये है कायन कौन, कायन कौन और मैं क्या हूं, ये यानी क्या। तो यहाँ पे स्त्री यानी फेमिनिन वर्ड है अहम का, यानी हू एम आई। तो इसका आंसर है भारतवर्ष या भारत देश है, इंडिया द नेशन क्या है, राष्ट्र। एक बार फिर से मम उत्तरे हिमालय, मम दक्षिणे सागर, मम ध्वजा त्रिवर्ण, अहम का, भारत देश। आंसर इसका भारत देश है, इंडिया। फिर लास्ट है फिफ्थ, अहम पुस्तकालय वसामि, मैं पुस्तकालय में रहता हूँ, वसामि रहता हूँ। अहम ज्ञान ददामि, मैं ज्ञान देता हूँ। अहम लोक मित्र अस्मि, मैं लोगों का मित्र हूँ। अहम किम, मैं क्या हूँ। यहाँ पे ये किम जो है न्यूट्रल वर्ब है, नपुंसक लिंग, वो जो निजी चीज होते हैं, निजी वस्तुएं होती हैं, उनके लिए किम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ट्रांसलेशन है आई स्टे इन अ लाइब्रेरी
करा रही हूँ। एक वो my complexion complexion is मेरा कॉम्प्लेक्शन इज फेयर, मेरा वर्ड बॉल है, देयर इज अ वीना इन माय हैंड्स, वेर मम हस्ते वीना, मम वाहना मयूर अस्ति, द पीकॉक इज माय मेकर। तो ये कौन है, यानी जिसके हाथ में वीणा होती है वो कौन होता है? गॉडेस सरस्वती, और उनका मेकर भी मयूर है। तो आंसर इसका आएगा क्या? गॉडेस सरस्वती। माई कलर इज ग्रीन, यानी मेरा जो कलर है ग्रीन है, जिसको लिखेंगे मम वर्ण हरित अस्ति, हरित मीन्स ग्रीन होता है।
my neck is black. यानी मेरा जो गला है कैसा है, काला है. तो मम कंठ कृष्ण अस्ति, मम कंठ कृष्ण. इसका आंसर है पैरेट या शुका. इसको शुका और या कीट भी कहते हैं. आंसर ठीक. एक और बर्ड. फिर नेक्स्ट है इसको आई वी आर यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्म कौन पहनता है. अहम गणवेश यूनिफॉर्म.
बुक्स आम पुस्तकम छात्र या विद्यार्थी।